हारमोनियम कई प्रकार के आते हैं, उसमें आपका बजट भी इंक्लूड होता है क्योंकि अलग अलग प्राइस रेंज के आते हैं और अलग अलग टाइप्स के हारमोनियम आते हैं। उसमें से गायकी के लिए सबसे सूटेबल हारमोनियम कौन सा है, हमें वो देखना होता है। हमारी सिंगिंग को जो सबसे ज़्यादा मदद करे, यानी उसका जो साउंड है वो हमारी आवाज़ से मैच करे, इस प्रकार का हारमोनियम हमें ख़रीदना होता है। हारमोनियम की आवाज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसकी आवाज़ जिस प्रकार की है, अगर हमारी आवाज़ उसी ही प्रकार में है तो ही हमें वो हारमोनियम ख़रीदना चाहिए। इसीलिए हारमोनियम में रीड होती हैं, रीड लाइंस होती हैं, और उसमें भी मेल फीमेल होता है। जैसे कि आप सुन सकते हैं ये जो साउंड है, ये थोड़ा भराव साउंड है, आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा बेस है, लेकिन यही अगर मैं इसको पतला कर दूं तो इसका साउंड कितना पतला हो सकता है, कि आपने देखा इसका साउंड थोड़ा पतला हो गया, पहले भराव था, है ना। अब इसको मैं और पतला अगर कर दूं, एक ये टाइप है और एक ये टाइप है, तो ये हारमोनियम के साउंड्स होते हैं अलग अलग। ये फिलहाल मैं एक स्केल चेंजर हारमोनियम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप एक नॉर्मल हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इतने प्रकार के साउंड्स एक ही हारमोनियम में आपको नहीं मिलेंगे, वो पर्टिकुलर हारमोनियम का एक साउंड होगा। तो इस ही लिए हमें एक बेसिक सा आपको मैं चीज़ बताता हूँ कि किस प्रकार का हारमोनियम आपको लेना है, जिसमें 7 धमन हो, यानी उसकी जो बेलो होती है जिससे हवा भरी जाती है, धौंकनी जिसे कहते हैं, वो 7 होने चाहिए, यानी उसके पर्दे जो हैं वो 7 होने चाहिए, और अंदर जो रीड लाइंस हैं वो मिनिमम 2 होनी चाहिए, और अगर ज़्यादा अच्छी हो तो 3 लाइन होना चाहिए। इससे ज़्यादा ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं, और 1 लाइन आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 लाइन का हारमोनियम हमारी वॉइस को सूट नहीं करता है। तो 7 बेलो हो गया, यानी 7 धमन हो गया, और हमारा 2 रीड लाइन हो गया, या फिर 3 रीड लाइन हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो वो है कपलर। हारमोनियम में कपलर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एक सुर दबा रहा हूँ तो दूसरा सुर अपने आप दब रहा है, है ना, ये चीज़ कपलर कहलाती है। और जैसे कि इसमें ये मैंने कपलर ऑफ कर दिया तो अब दूसरा सुर अपने आप नहीं बज रहा है, है ना। तो इसी प्रकार के कपलर्स होते हैं, तो वो हमें लेफ्ट कपलर लेना चाहिए, ये। और लेफ्ट कपलर भी हमें मेल वॉइसेस के लिए लेना चाहिए। अगर फीमेल वॉइस है और फीमेल हारमोनियम अगर आप चाहते हैं तो उसमें राइट कपलर भी आते हैं, जो कि ए सुर दबाऊंगा तो इस साइड का वही सुर अगले सप्तक का सुर बजेगा, तो राइट कपलर हो गया। तो ये कपलर आपको उसमें देखना है, आपको उसमें धमन देखनी है कि कितनी है, आपको उसमें ये देखना है कि उसकी हवा फिटिंग कितनी है, यानी सांस कितनी लंबी। जैसे 7 दबाया तो ये जैसे इतनी सांस चली, अब ये सांस अगर जितनी ज़्यादा लंबी हो उतना ज़्यादा अच्छा। हारमोनियम फोल्डेबल भी आते हैं और पोर्टेबल भी आते फोल्डेबल भी आते हैं और नॉन फोल्डेबल भी आते हैं, यानी कि ये हारमोनियम एक बॉक्स में पैक हो सकता है, इसको बंद कर दूं, है ना। और ऐसा ही आता है जो नॉन फोल्डेबल है ना, लेकिन जो फोल्डेबल है वो थोड़ा पोर्टेबल रहता है, आप उसको पैक करके एक बॉक्स बना के, अटैची बना के आप उसे साथ में ले जा सकते हैं, ट्रैवल के लिए आसान रहता है। लेकिन अगर मैं बात कहूँ सांस की, तो सांस नॉन फोल्डेबल हारमोनियम में ज़्यादा होती है, है ना, तो इसीलिए वो प्रेफर करते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन अगर आपका काम पोर्टेबिलिटी का है, आपको इधर से उधर शिफ्ट करना रहता है हारमोनियम, तो आपको ये फोल्डेबल ही लेना चाहिए, ठीक है। इसमें भी फिर अलग अलग आते हैं, स्केल चेंजर्स भी आते हैं, इसमें नॉन स्केल चेंजर भी आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, कंपनी होती है, तो वो बहुत ही लंबा टॉपिक है। पर मैं आपको बेसिक सा ये जो बता रहा हूं वो यही है कि आपको 7 धमन और कम से कम जो इसका सप्तक है वो 3 से 3.5 सप्तक हो तो ज़्यादा अच्छा है, है ना। उससे छोटा होगा तो आपके वो काम कम आएगा, इसीलिए कम से कम इतना तो होना चाहिए, कम से कम 3 से 3.5 सप्तक हो उसमें, और उसकी 7 धमन हो, 2 रीड लाइन तो होना ही चाहिए, और लेफ्ट कपलर होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड हारमोनियम के मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। इसके अलावा आप अगर और लो में जाएंगे तो वो हारमोनियम गायकी के लिए नहीं होगा, है ना, आपकी वोकल को सपोर्ट नहीं करेगा, वो सिंगल रीड लाइन होगा और उसका आवाज़ बहुत पतली होगी, तो वो हमारी वॉइस को सूट नहीं करती है, इसीलिए हमें उस प्रकार का हारमोनियम नहीं लेना चाहिए। कम से कम ऐसा हारमोनियम लेना चाहिए जिसमें थोड़ा भराव हो, है ना, जिसमें थोड़ा दम हो, जो हमारी वॉइस को सपोर्ट करे। अभी मैं अगर इसके साथ गाता हूँ तो देखिए थोड़ा सपोर्टिव साउंड है, आप देख रहे हैं एक भराव मिल रहा है। यही अगर मैं पतला साउंड अगर ले लूं जो आपको नॉर्मल हारमोनियम मिल जाते हैं उसमें ऐसा थोड़ा पतला आता है, है ना, तो इसके साथ आप गाएंगे तो आपको उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना, एक खालीपन मिलेगा। तो उसको भरने के लिए हमें ऐसा साउंड चाहिए जो थोड़ा भारीपन हो उसमें, है ना, थोड़ा भराव हो, ठीक है। तो यही थोड़ा बहुत मैं इस टॉपिक पर बताना चाहता हूं।